नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चाणक्य नॉलेज शो पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर आपको फाइनेंशियल, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसी वीडियो मिलेगी जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये चैनल आपके लिए करंट अफेयर्स का काम करेगा। दोस्तों, 29 तारीख की रात को भारत और चाइना में गलवान घाटी के बाद दोस्ती झड़प हुई थी, जिसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये आज की वीडियो समझ में आएगी, जिसके ऊपर अमेरिका ने एक बयान जारी किया है। दरअसल अमेरिका ने अपने इस बयान में भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि बीजिंग की तरफ से बार बार भारत को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है, जिससे निपटना ही एकमात्र तरीका है। और साथ ही अमेरिका ने ये भी कहा है कि चाइना और भारत के बीच लगी LAC सीमा पर हमारी बारीकी से नज़र है। अमेरिका ने अपने इस बयान में आगे कहा है कि चाइना ताइवान से लेकर सिंजियांग तक और दक्षिण सागर चीन से लेकर हिमालय तक और साइबर स्पेस से लेकर इंटरनेशनल संगठन तक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही लोगों को दबाना और अपने पड़ोसी देशों को धमकाना जैसे काम कर रहा है, जिससे निपटने का एकमात्र तरीका बीजिंग का सामना करना है। आपको ये भी बता दें कि 29 तारीख की झड़प के बाद दोनों देशों ने LAC पर अपने टैंक तैनात कर दिए हैं, जो इस समय आमने सामने खड़े हैं, जिसमें भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली टैंक भीष्म को तैनात किया हुआ है। इसका सीधा निशाना चाइनीज़ आर्मी के टैंक और उनके कैंप पर है। इस समय 29 तारीख की झड़प के बाद भारत सरकार ने अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट लद्दाख में रात में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और साथ ही चाइना ने राफेल को टक्कर देने के लिए तिब्बत में J-20 फाइटर जेट्स को तैनात किया हुआ है। दोस्तों, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई, जिसमें भारत सरकार ने 29 तारीख की झड़प के बाद चाइना के 118 ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसमें पबजी भी शामिल है। उन 118 ऐप की लिस्ट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब आप कल के सवाल का जवाब देने वालों का नाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस खबर पे क्या कमेंट व्यू है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आज का सवाल, भारत के टोटल कितने पड़ोसी देशों के साथ डायरेक्ट सीमा लगती है, प्लीज़ इसका सवाल कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।